अच्छा नेक्स्ट जो है एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल कुहु भी आप लोगों को हाय बोल रही है और हाय गाइस तो अभी कुहु को लेप लगाया है मैंने तो मालिश करी है और अभी हमारी आंटी छुट्टी पे गई हुई है एक्चुअली मैं छुट्टी पे गई थी और फिर उसके एक दिन पहले वो छुट्टी पे गई हुई थी तो मैंने फिर बोला आप एक से ही आना पूरा क्यों हम 10-5-6 दिन के लिए तो मैं ही उसको शार दे दूँ क्योंकि वो आज या कल में आएंगी मतलब बहुत लेट आएंगी 2-3 दिन के लिए फिर क्या बुलाना महीने का गड़बड़ हो जाता है तो मैंने बोला आप वन से आना। वो अभी नहाने जा रहा है उसका अभी फेस पे मैंने क्या लगाया है उपटन लगाया है उसका गर्मी भी आ गई है ना तो उसमें चंदन पाउडर मैंने काफ़ी सारा मिला दिया है ताकि चंदन से कैसा होता है ना ठंडक मिलती है फेस पे तो वैसा है ये देखो चलिए हम शार लेने के लिए जाते हैं नहलाती हूँ मैं उसको फिर मिलती हूँ। मिलिए हमारे न्यू हेलो कुहू सीजन शॉ बहुत दिनों बाद उसको ये कैमरा दिख रहा है ना तो वो सोच रही है ये गायब कहाँ से हो गया था क्योंकि मैं भोपाल में लेकर के नहीं गई थी अपने कैमरे को मोबाइल से ही सब कर रही थी तो वैसा मुझे आए हुए हो गए हैं 3 दिन आज है 24th of April 21st को हम यहाँ आए थे और हम यहाँ पे पहुँचे थे शाम को 6:30-7 बजे पहुँचे थे तो उस दिन तो हमारी हालत इतनी गंदी थी क्योंकि अगर आपने इससे पहले देख ही लिया होगा मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाए हैं और वही शेयर करे हैं तो आप देख लीजिएगा इसका मुंडन वगैरह का मैंने अलग से लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट तो मैं नहीं बना पाई तो अभी क्या है 3 दिन जब आई 21st तो कुछ नहीं किया सिर्फ अकेला बेडशीट चेंज करी है और उसके बाद सिर्फ सोए क्योंकि इतना थक गए थे 2 दिन ट्रैवल कर करके दो दिन हमारा कार जर्नी हो गया था फिर उसके बाद 22nd 23rd घिसाई धुलाई इन सब में लग गया और अभी क्या होता है कि एक दिन में लग करके काम नहीं होता है फाइनली अभी ये है कि 3 दिन में मेरा जो बेडरूम है आप देखेंगे ना काफ़ी कुछ सॉर्टेड हो चुका है लेट मी शो यू ये देखिए काफ़ी कुछ सॉर्ट हो गया अदरवाइज यहाँ पे पूरा सिर्फ सामान ही सामान बिखरा हुआ था इतना सामान आया था हम कार से गए इसलिए थे बहुत सारा सामान लाने के लिए क्योंकि मैं पेपर फ्राई के साथ काम करती थी तो मेरे पेपर फ्राई के काफ़ी सारे पीआर थे जिसमें क्रॉकरी थी तो वो क्रॉकरी भी मुझे लेकर के आनी थी तो ऐसा सामान था थोड़ा जो टूट सकता था अगर मैं ऐसे लाती तो हालाँकि सब कुछ भी टूटा नहीं है सिर्फ एक मेरे पास ये देखिए ये इस तरीके का बाउल है और इसमें ना ये हैंडल है वुडन का हैंडल है ये ऐसे लगता है ये अकेला टूट गया है ये लेकिन वैसे ही आया ही पार्सल में ही टूटा हुआ आया था और वो अभी काफ़ी ज़्यादा नॉटी हो चुकी है शी स्टार्टेड क्रॉलिंग एकदम फुल फॉर्म में बैठ जाती है मतलब बैठती वो उसका टाइमिंग है 4-5-6 मिनट के लिए वो बैठती है उसके बाद उसको भागना होता है और थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट से वो खड़ी भी होने लगी है और अब तो खैर वो बेड पे रहने लायक बची नहीं है तो वो स्ट्रॉलर पे भी मैंने उसको बैठाया है तो वो चिल्ला इसलिए रही है कि मुझे उतारो यहाँ से मुझे नीचे जाना है तो मैं क्या अभी रेडी विक्की आया है जस्ट अभी ऑफिस से थोड़ा जल्दी अभी विक्की थोड़ा जल्दी आ जाता है तो विक्की अभी ऑफिस से आया है तो विक्की के पास रहती है ये मैट वगैरह बिछा देती हूँ मैं ये है कुहू की मैट यहाँ पर रहती है वो या फिर सेकेंड रूम है उसमें रहती है वगैरह उसमें सब रख देते हैं तो वो इस पर खेलती है आराम से इस तरीके का एक हेलमेट ले लिया है इसका फोम वाला कॉर्नर अभी लगाने की जरूरत नहीं है मैं ये व्हाइट कलर की मंगवाऊंगी बिकॉज व्हाइट फर्नीचर है ये तो बिल्कुल ही अलग से दिखेगा उसको और वो इसी को पकड़ के निकाल के खींचेगी या चाटने की कोशिश करेगी अभी मैंने 2 चीजें अमेजन से मंगवाई है मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको ये दिख ही रहा होगा ये जो कलेक्शन है ना तो ये देखिए तो ये क्या करती है यहाँ पर ये सेकंड रूम का बेड है और ये हेडरेस्ट हम लोगों ने बनवाया है तो हम बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि एसी का भी स्विच यहाँ पर है और मेन एक वो है तो यहाँ पर वो उंगली डालती है तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया हुआ है तो ये देखिए एक आता है फ्लैट तो उसको ना निकालने में बड़ी दिक्कत होती है तो ये बड़ा ईजी सा है आप इसको ऐसे लगा दीजिए यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है को आप खींच के निकाल सकते हैं कभी भी एक तो हमने ये यहाँ पर लगा दिया है और भी नीचे बेडरूम्स में लगा दिए हैं बाकी सब तो ऊपर है तो वहाँ लगाने का इतना हेडेक नहीं है उसके बाद एक ये देखिए ये है बैटरी चार्जर ओके सो चार्जेबल बैटरीज हैं तो जैसे वॉल क्लॉक होता है ना तो उसकी जो बैटरीज है हम लोगों ने अभी इस बार वही चार्जेबल बैटरी लगाई है 6 या 8 की बैटरीज का सेट आता है तो ये हमने चार्ज पे लगा दिया है और बाकी का जो सेट है वो चार्ज वो यूज़ कर रहे हैं ये देखिए हमारे घर से काफ़ी सारी कैरियाँ आई हुई हैं तो अभी मैं कुछ कुछ बनाने वाली हूँ कैरी का बनाने वाली हूँ कैरी बना बना के रख दूंगी कल मैंने जो हमारी रोटी वाली आंटी आती है ना उनको मैंने बोल के रखा है कि आप मस्त कैरी की अच्छी खट्टी मीठी चटनी बना देना तो खाने के लिए क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने का मन नहीं करता है सब्जियाँ कुछ भी ऐसा खाने का मन करता नहीं है ओके आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ दिखाती हूँ ये देखिए
इतनी छोटी सी कढ़ाई है, आप मेरे हाथ को देख सकते हैं ना, उतना बराबर है। तो ये ना मेरी मम्मी से लेकर के आई हूँ मैं, तो कुहू के लिए इसी में मैं रवा, दलिया, दाल चावल, ओट्स, सब कुछ इसी में बनाती हूँ। ये एक्साइटमेंट में चिल्लाती है कि सो बहुत ही क्यूट सी कढ़ाई है ना। बेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि जल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तेज आंच पे भी अगर आप इसको करोगे ना तो सही रहती है। और आजू बाजू के ये देखिए, इसमें ब्रास के दिए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई है ये। मासी ने बेसन के लड्डू बना के भेजे हैं। उसके बाद ये मेरी मम्मी के हाथ का चूड़ा है, ये विक्की की जो नानी जी थी उन्होंने बना करके भेजा हुआ है। थोड़ा सा मैं नींबू का अचार भी लेकर के आई हूँ घर का। इस लड़की ने पानी पीते पीते पूरा अपना ड्रेस, देखिए ये दिख रहा है आपको, गीला गीला सब जगह पूरा, मतलब उसको दबा दबा के पानी निकाल रही है। बड़ा ये पानी को ऐसे ही मस्ती कर करके पीती है अपने हिसाब से, जब उसको प्यास लगती है उसको पता है कहाँ से पकड़ना है। तो ये हमारे आटे का डब्बा है, इसमें हम आटा स्टोर करते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 kg। ये हमने चेंज कर दिया है, दिन भर, अभी रात में फिर चेंज करेंगे। तो हम ऐसे बहुत सारे कपड़े चेंज करते हैं। शी इज क्रैंकी नाउ बिकॉज अब स्लीपिंग टाइम है इसका, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर बन रहा है कुहू का खाना और यहाँ पर बन रहा है हम लोगों का खाना। तो दलिया भी खाते हैं और साथ में दाल और रोटी भी खाने वाले हैं। और ये रही कुहू। सब बहुत देर हो गई है, 9:30 बज गई है, कॉलिंग इट अ डे। तो मैं एक्चुअली निशा के घर गई थी निशा को सरप्राइज करने के लिए, मुझे सरप्राइज मिल गया क्योंकि वो घर पे अवेलेबल नहीं थी। फिर मैं निशा वॉचमैन के पास गई, मैंने कॉल किया उनको तो वो कॉल पिक भी नहीं कर रही थी, तो मे बी वो कहीं बाहर वगैरह होगी, अभी तो हमारी बात नहीं हुई है, बात होगी। तो मैं कुछ कुछ सामान लेकर के गई थी, रही थी मैं कुहू को, बोरी थी कुहू, अपना प्लान पूरा चौपट हो गया। हम बिल्कुल बोरिया बिस्तर लेके गए थे, वो जो उसकी प्ले मैट है वो, उसमें टॉयज रख के, पानी की बॉटल और दुनिया जहान का तामझाम लेकर गए थे। क्योंकि मेरे को ऐसा होता है कि मैं वहाँ जाती हूँ तो फिर बैठती हूँ थोड़ा, एक दो, मतलब एक घंटा तो ऐसे चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। बातें करते हैं हम लोग सब दुनिया जहान की, क्योंकि जब से मैं भोपाल में थी हमारे 15 दिन तक कोई बात नहीं हुई फ़ोन कॉल पे, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत बिजी थी। सो ऐसा है, तो अभी बस सोते हैं। हाँ, कुहू का जो रूटीन है वो एक्चुअली भोपाल, जब तक वो भोपाल नहीं गई थी ना तब तक उसका ऐसा था कि वो 9 से 9:15 बजे तक बेड पे आ जाती थी, फिर 9:15 से सोते सोते 9:30 तक वो सो जाती थी। तो अब मैं इसका फिर से रूटीन सेट कर रही हूँ। टाइमिंग्स अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या सेट करने वाली हूँ। अब क्रैंकी हो गई है वो, बहुत देर हो गई है, मैं आप लोगों से अब कल मिलती हूँ। गुड नाइट कर दो भैया, गुड नाइट कर दो जी, गुड नाइट, गुड नाइट। ये हंसते हंसते रोने वाला, रोने रोते हंसने वाला मुंह है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कुहू इज स्लीपिंग। मैं फटाफट से जाती हूँ, शार वगैरह लेती हूँ और फ्री हो जाती हूँ। ओके गाइस, आई जस्ट टुक शार, कुहू उठ चुकी है। मेरे को बीच में बाथरूम में आवाज़ आ गई थी, विक्की का सुबह से बहुत इंपॉर्टेंट कॉल चल रहा है तो उसमें बिजी है। सो आज मुझे नहाने में लगा है टोटल 35 मिनट्स, इतना देर। हफ्ते में मैं एक दिन लेती हूँ भाई थोड़ा देर तक सर वर धोने के लिए, और इसलिए भी क्योंकि मुझे बाथरूम वगैरह क्लीन करना होता है। दो विक्की करता है बाथरूम क्लीन, बट मुझे उसका जो बाथरूम क्लीनिंग है ना वो पसंद नहीं आता, तो मैं उसको बोलती नहीं हूँ कि अच्छे से करो या ऑल दैट, वो जैसे ही करता है ठीक है। बाकी फिर एक दिन जिस दिन मैं शार लेती हूँ अच्छे से, उस दिन मैं अच्छी तरीके से बाथरूम को क्लीन कर देती हूँ। अभी कुहू को लेप लगाया है मैंने, तो मालिश करी है, और अभी हमारी आंटी छुट्टी पे गई हुई है। एक्चुअली मैं छुट्टी पे गई थी और फिर उसके एक दिन पहले वो छुट्टी पे गई हुई थी, तो मैंने फिर बोला आप एक से ही आना पूरा, क्यों हम 5-6 दिन के लिए, तो मैं ही उसको शार दे दूँ, क्योंकि वो आज या कल में आएंगी, मतलब बहुत लेट आएंगी, 2-3 दिन के लिए फिर क्या बुलाना, महीने का गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने बोला आप 1 से आना। वो अभी नहाने जा रहा है, उसका अभी फेस पे मैंने क्या लगाया है, उपटन लगाया है उसका। गर्मी भी आ गई है ना, तो उसमें चंदन पाउडर मैंने काफ़ी सारा मिला दिया है, ताकि चंदन से कैसा होता है ना, ठंडक मिलती है फेस पे, तो वैसा है। ये देखो। चलिए हम शार लेने के लिए जाते हैं, नहलाती हूँ मैं उसको, फिर मिलती हूँ। ओके, तो हम आ गए हैं शार लेकर के, अब हम रेडी होंगे। देखिए हमारे बच्चे को, ये है कुहू। लग जाएगी ऊपर, लग जाएगी, बाहर देखना इसको।
ये है ये हम लोगों ने मैट लेकर के बहुत अच्छा डिसाइड किया है। एक्चुअली मैंने एक ब्रिक भी मंगवाया हुआ है, मतलब जो मैट ब्रिक होती है ना वो मंगवा करके रखा हुआ है। सो वो अभी तक आई नहीं है, तो देखती हूँ। और दोनों रिटर्नेबल है, तो जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी, बट वो ब्रिक मुझे ऐसा लगता है ना कि बार बार बनाना पड़ेगा, मतलब उसको आपको फॉर्म करना पड़ेगा। सो आई फील ये मैट कैसा फट से घड़ी करा, इसका ऐसा बैग आता है उसमें रख दिया और फिर सही रहता है, तो वैसा। बट देखते हैं वो आ जाएगी फिर कैसा रहेगा एंड ऑल दैट। मेरे पास बहुत सारे पीआर के सामान आए हुए हैं जो कि मैं वन बाय वन आप लोगों को शो करती हूँ। और ये कुछ कुछ आवाज़ आ रही है ना, ये देखिए इसको, ये पीआर खोल रही है मेरा, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके गाइस, तो जो वन बाय वन मेरे पास पीआर का सामान आया वो मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे रिसीव हुआ है, ये है फ्रॉम द ब्रांड इंडस वैली की तरफ से, एक कुकवेयर ब्रांड है, इंडिया का काफ़ी अच्छा कुकवेयर ब्रांड है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट दिखाना जो मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले आया है ये कैसरोल सेट जो कि मैं यूज़ भी करने लगी हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत थिक बेस है, आप इसमें कुक भी कर सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। सबसे बेस्ट पार्ट है कि जब आप इसको बहुत देर तक हीट करते हैं तो जो इसके यहाँ पर हैंडल्स दिए हुए हैं वो गर्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप इसको पकड़ बहुत अच्छे से सकते हैं। और साथ में आया हुआ है ये लिड, अगेन वेरी गुड क्वालिटी, काफ़ी थिक है ये। इसको वीडियो में आना है, ये रहा तो ये भी हमारे साथ वीडियो में शोकेस करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ये इस तरीके का पैन, तो मिल्क गरम करने के लिए, चाय बनाने के लिए, इवन सब्जी बनाने के लिए, पुलाव बनाने के लिए, दो लोगों के लिए आपको कुछ बनाना है, इवन बेबी के लिए कुछ बनाना है, तो मैंने एकदम सबसे छोटा वाला साइज़ ऑर्डर किया है, 1.5 लीटर वाला। बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, देखिए थिक बेस है, बहुत अच्छा बेस है। इसको भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये दोनों मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, अमेजिंग क्वालिटी। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट। जो थर्ड प्रोडक्ट आया है वो आया है ये कढ़ाई, तो ये देखिए अगेन आप इसके हैंडल्स देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं, ये गरम नहीं होंगे और आप इजीली उसको पकड़ सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का है, बेस इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो अगेन आई रियली लाइक इट। और मैंने छोटी ही ऑर्डर करी है, दिस इज़ माई थर्ड प्रोडक्ट। तो ये तीन जो यूटेंसिल्स हैं वो आए हैं मेरे पास, और सिलेक्ट मैंने ही करे अपनी चॉइस से, मुझे तीनों की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। मैं इंडस वैली के जो कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर ही रही हूँ, जो मेरी कास्ट आयरन की कढ़ाई है वो इंडस वैली की है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आते हैं नेक्स्ट पीआर के ऊपर। जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर फ्रॉम मम्मा रैबिट। सो बेसिकली मेरी एक सब्सक्राइबर है श्वेता, उन्होंने ब्रांड ओपन किया है मामा रैबिट, तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं। न्यू मॉम, एक्सपेक्टिंग मॉम, आप इसको डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन के प्रोडक्ट्स हैं। आपको याद होगा जो मैंने अपना किचन मेकओवर किया था तब मैं एक फ्रॉक ड्रेस पहनी हुई थी, दिस इज द ड्रेस जो मैंने पहना हुआ था। इतनी ब्यूटीफुल क्लासी प्रिंट्स है इसके, बहुत प्यारा कलर है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको पहन सकते हैं, फैशनेबल और स्टाइलिश तो है ही है, ब्रेस्ट फीड कराने में भी आपको बहुत ईजी रहेगा और ये दिखेगा भी नहीं, इट्स अ सीमलेस जिप जो कि दिखती भी नहीं है। उसके बाद जो सेकंड पीस मेरे पास आया है वो आया है ये बड़ा ही प्यारा सा लॉन्ग स्ट्राइप्स वाला पेस्टल कलर्स में ड्रेस है ये, इट्स लाइक अ वन पीस अगेन। तो इसमें ऐसे जिप नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्योंकि बटन्स दिए हुए हैं तो इट्स ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली है, और पॉकेट्स दिए हुए हैं, अगेन वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। उसके बाद जो थर्ड पीस है वो है ये कॉर्ड सेट टाइप का है पीस, तो ये कैसा है, ऐसे आप काफ्तान स्टाइल में यहाँ से टाइट कर सकते हैं सेंटर में, अगेन यहाँ पर जिप दी हुई है दोनों तरफ, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली भी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड डूप की तरफ से मेरे पास आया है ये, बहुत ही प्यारा सा हैंडबैग है, तो साइज काफ़ी बड़ा है, मतलब इफ़ यू आर ऑफिस गोइंग पर्सन आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है ये। सबसे पहला जो जिप है वो यहाँ पर है, ये देखिए इस तरीके से जिप दिया हुआ है, ठीक है, काफ़ी डीप है। इनके बैग्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, मेरे पास एक और बैग है और ये फ्रंट है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो एक सेंटर जिप बड़ी सी दी हुई है, ये दिया हुआ है, एक सेंटर जिप है, अंदर भी एक जिप दिया हुआ है, ये काफ़ी बड़ा सा जिप है, और यहाँ पर दो ऐसे पॉकेट्स दिए हुए हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसे दो पॉकेट्स दिए हुए हैं। ला बैग है, मतलब ये अभी आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट इट्स क्वाइट बिग बैग, मैं आपको उसको टांग के बताती हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा इस तरीके से। के बाद जो नेक्स्ट मेरे पास भेजा गया है वो भेजा है ये फुटवेयर का सेट, बेलीज। मुझे मैं एक टाइम था जब मैं ऑफिस जाती थी तब मैं बेलीज बहुत पहनती थी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द कंफर्टेबल
फुटवेयर होता है और हर ड्रेस के साथ जाता है, डेनिम के साथ जाता है, सूट के साथ जाता है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप इसका प्रिंट देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही क्लासी प्रिंट है। यहाँ पर प्लेन ब्राउन है एंड यहाँ पर ऐसे प्रिंटेड है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। लुक एट दिस, ये देखिए। नेक्स्ट अप वी हैव दिस ब्यूटीफुल साड़ी। सो दिस इज द ब्यूटीफुल साड़ी। सो इसमें देखेंगे अगर आप पास से, क्या हो गया, बहुत ही प्यारी ऐसे लेसेस दी हुई है, ऑल ओवर साड़ी एकदम प्लेन है। ये दिस इज द ब्लाउज विच आई गॉट दिस एज वेल फ्रॉम दिस साड़ी। सो काफी ब्यूटीफुल सा कलर है, पूरा प्लेन साड़ी है, सिर्फ बॉर्डर्स है, तो ऐसी स्लीक सी ऐसी पतली सी साड़ी है जो कि बड़ी अच्छी लगने वाली है। सारे प्रोडक्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो डू सपोर्ट ऑल दीज इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स। हेलो हेलो, ये कौन है, ये कौन है भैया, ये कौन है? ये बच्चा तो खड़ा होने की कोशिश करता है, खड़ा होने की कोशिश करता है। तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि कुहू ने कौन सी एक्टिविटी किस मंथ स्टार्ट करी है। बहुत सारी बार मैं अवॉइड करती हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर करना, जैसे उसका वेट हो गया, कौन सी एक्टिविटी वो किस मंथ करी है, क्योंकि क्या होता है ना, कंपैरिजन होता है इसमें, कंपैरिजन नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो अगर जैसे मैंने इसका वेट बताया तो कुछ लोगों को लगेगा अरे हमारे बच्चे का वेट तो इससे भी कम है, तो टेंशन में आ जाएंगे। कुछ को लगेगा अरे हमारे बच्चे का वेट इससे ज़्यादा है तो मुझे टेंशन में ले आएंगे। तो इसके लिए मैं वेट हो गया, हाइट हो गया, ये सब चीज़ें इतनी मेंशन नहीं करती हूँ। एज पर हर पीडियाट्रिशियन, जो उसके पीडियाट्रिशियन है उनके हिसाब से शी इज़ डूइंग परफेक्ट। वो अपने माइलस्टोन्स कुछ टाइम पे कर रही है और कुछ टाइम से पहले कर रही है। राई का पिलो होता है ना, वो सिर्फ हमने 1.5 महीने लगाया, उससे ज़्यादा लगाया भी नहीं, पिलो हमने यूज़ ही नहीं किया। सबसे बड़ा रीज़न उसका ये था क्योंकि ये बहुत एक्टिव है, शुरू से काफ़ी एक्टिव बेबी रहा है। राई का पिलो उन लोगों के लिए ठीक है जो बच्चे सिर्फ कंटिन्यूसली ऐसे लेटे रहते हैं, राइट। ये शुरू से ही 1.5 मंथ से जब ये हो गई थी तो अपनी गर्दन इधर 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 उधर इधर उधर सीधे रखती नहीं थी, तो पिलो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाद फिर 3 मंथ्स के क्रॉस करने के बाद ये टर्न होना स्टार्ट हो गई थी खुद से, मतलब ऐसे पलट अलट करना से चालू कर दिया था। और उसके बाद तो फिर इसने जो पेस पकड़ी है, 3.5-4 महीने में ये पूरी पलटी खाने लगी थी और 5.5 महीने से ये खसकना स्टार्ट कर गई थी। इसको धीरे धीरे क्रॉल करना स्टार्ट करा, इसने क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। 6 मंथ से प्रॉपर क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। 6 मंथ एंड होते होते तक इसने बैठना स्टार्ट कर दिया, मतलब नाउ शी कैन सिट विदाउट सपोर्ट एज वेल। अभी लेकिन वो खुद से नहीं बैठती है, मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे खुद से ऐसे होकर के बैठना नहीं होता है, हम बैठाते हैं तो वो बैठ जाती है। किसी भी बच्चे का सोच करके, जैसे इसका देख के अगर आप सोच रहे हो, आप हो सकता है आपका बच्चा 4-4.5 महीने में क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया हो, तो हो सकता है किसी का बच्चा 6-7 मंथ से क्रॉलिंग करना स्टार्ट करेगा, तो इट्स फाइन, सब अपने अपने पेस पे अपना अपना काम कर लेंगे। दूसरा, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं BLW स्टार्ट करने के, मतलब बच्चा खुद से खाना स्टार्ट करने की प्रैक्टिस कराने का। मैं अभी उसको सेमी सॉलिड फूड में, जो टेक्सचर्ड फूड है जैसे बनाना हो गया, वो मैं हाथ से मैश करके उसको दे देती हूँ। बाकी टेक्सचर्ड फूड में अभी तक मैंने उसको कुछ और स्टार्ट नहीं किया, मैं मोस्टली लिक्विड फॉर्म में ही उसको देती हूँ। मेरा ऐसा मानना है, मतलब मेरा ऐसा है कि उसको मुझे पुश नहीं करना है अभी फिलहाल। पुश इज डूइंग ऑलरेडी वेरी गुड और वो अपने टाइम के हिसाब से सब चीज़ कर लेगी। मैं यहाँ बिल्डिंग में जहाँ घूमती हूँ सोसाइटी में, तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो इसी की एज की मम्मियाँ हैं, मतलब 2-3 महीने बड़ी होंगी, 4 महीने बड़ी है। तो इसकी एक फ्रेंड है जो कि अभी 11 मंथ्स की है, तो उसकी मम्मी तो जॉब करती है 6 मंथ से, शी वर्क्स इन TCS और उसे ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने उसको पूछा, उसकी बच्ची हर चीज़ हाथ से उठा के खाती है, तो मैंने उसको पूछा हैव यू फॉलोड दिस BLW मैथड, बोलती नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। उसको 8-9 मंथ्स तक मैंने प्रॉपर लिक्विड डाइट ही कराया, 11 मंथ से ऑटोमेटिकली उसने अपना खाना स्टार्ट कर दिया, बिना एफर्ट्स लगाए देखिए उसने अपने आप हाथ से खाना स्टार्ट कर दिया। ये अभी से, इसको जब मैं स्पून से देती हूँ तो वो स्पून पकड़ लेती है और खुद डालने की कोशिश करती है। सो मेरे को ऐसा है कि ठीक है, इंस्टाग्राम को देख करके या बाकियों के हिसाब से या बाकी का बच्चा ऐसा कर रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं चलना है, मेरे को जो मेरा इंस्टिंक्ट फॉलो करता है। तो मेरा ऐसा है कि वो खा रही है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिकली उसको जब लगेगा शी इज़ रेडी, वो ऑटोमेटिकली उठा के खुद खाने लगेगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गो विद द फ्लो एंड आई एम ओके विद फीडिंग हर फ्रॉम माई हैंड। कितने ही दिन वो खाएगी मेरे हाथ से, ऐसा है। और अब उसका सोने का टाइम हो गया है, तो ये जो आवाज़ आई ना, ये बिल्ली जैसा जो ये चीखता है ना, ये बिल्ली जैसा, ये जो बिल्ली बन जाता है, ये मतलब इसको नींद आ रही है। सुलाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाय गाइस, तो अभी हम लोग सो के उठे, मैं नहीं मतलब कुहू सो करके उठी है, फ्रेश फ्रेश हो गई है और शाम के लिए वो रेडी हो चुकी है। अभी ड्रेस चेंज नहीं किया है मैंने। हेलो कुहू। हेलो जी। कौन है? ओके गाइस, तो हम लोग का डिनर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं गम्मी।
गुम्मी 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 गुम्मी, यही में पास में जा रहे हैं तो टू व्हीलर से जाने वाले हैं। इसे आए हैं। अच्छा। तो ये हमारे घर के पास एक जगह है जहाँ पर हर फ्राइडे सैटरडे संडे एग्जीबिशन लगती है, तो यहाँ की वाइब बड़ी मस्त रहती है। तो कैजुअली भले आपको शॉपिंग नहीं भी करनी है तो बस घूमने फिरने चिल मारने आ जाओ, या म्यूज़िक वगैरह चलता है। तो क्योंकि आज फ्राइडे है इसलिए भीड़ कम है, सैटरडे संडे यहाँ काफ़ी रश रहता है। विक्की और कुहू वेस्ट साइड चले गए थे, विक्की ने एक शर्ट परचेस कर लिया उसके ऑफिस के लिए, और फिर हम म्यूज़िक एन्जॉय करने के लिए बाहर गए। गाइस आ चुके हैं हम लोग घर आ गए हैं। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, चेंज वेंज कर लिया है, अब मैं कुहू को थोड़ा चेंज करूंगी और हम लोग अब सोते हैं। जब जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो। कुहू भी कर रही है गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।